हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरी किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आंवले का लड्डू बनाएंगे। ना हम चीनी डालेंगे ना हम गुड़ डालेंगे, बिना चीनी और गुड़ के हम आंवले का लड्डू बना के तैयार करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने ये आंवले ले रखे हैं, अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। हम आंवले का लड्डू बनाएंगे, न चीनी न गुड़ हम इसके लड्डू बनाएंगे, बिना चीनी और गुड़ के। चलिए हम कद्दूकस ले लेते हैं। देखिए हमने थाली ले ली, अब इसे हमने धुल रखा है, टप्पा था सूख गया है, अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। देखिए हमने कद्दूकस लिया, ये आंवला लिया, आप खुद बताते हैं। देखिए ऐसे ही करते हुए हम कद्दूकस ऐसे ही सारा हम कर लेंगे, कद्दूकस पूरे आंवले को जितना हमने आंवला लिया है। आंवला बहुत ही फायदा करता है, जरूर यूज में ले। हमने और वीडियो डाल रखा है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए आपको हम पास से दिखाते हैं। देखिए हमने अपने आंवले का कैसे दिख रहा है मेरा आंवला, हमने इसे कद्दूकस किया है, ऐसे ही सारा हम कर लेंगे। देखिए हमने अपने आंवले को हमने कद्दूकस कर लिया, आप देख सकते हैं हमने सारा जितना आंवला लिया था कद्दूकस कर लिया, ये भी साइड में हमने रख दिया है। अब इसे हम साफ से अच्छे से धुलेंगे कई बार, इसके हमें लड्डू बनाने हैं। ना हम इसमें चीनी डालेंगे ना गुड़, बिना चीनी और गुड़ के हम लड्डू तैयार करेंगे इसका। देखिए हमने अपने आंवले को भगोने में रख दिया है, हमने कुछ देर छोड़ दिया था टाइम ना रहने की वजह से, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम पानी डाल के और साफ से अच्छे से इसे धुलेंगे। देखिए हम पानी इसमें डाल देते हैं, ये नॉर्मल नल का पानी है, अब इसे अच्छे से हमें धुल देना है। देखिए हमने पानी डाल रखा है इसमें, अब इसे हम अच्छे से ऐसे ही मलमल के, देखिए आप इसे अच्छे से हम कई बार 5 बार इसको हम धुलेंगे ऐसे ही करते हुए। देखिए इसे हमें देख सकते हैं आप, इसका कलर पानी का कैसे चेंज हो गया। ना हम चीनी यूज करेंगे ना हम गुड़, और देखिए बहुत ही फायदा करेगा, ऐसे हम लड्डू बनाएंगे, ना चीनी डालेंगे ना गुड़ डालेंगे, बिना चीनी और गुड़ के हम आंवले के लड्डू बना के तैयार करेंगे। देखिए हमने कैसे मलमल के ऐसे ही 5 बार इसे हम धुल के तैयार करेंगे। देखिए हमने अच्छे से इसे 5 बार धुल लिया है, अब देख सकते हैं पानी कितना साफ दिख रहा है। अब हमने कढ़ाई ले रखी है, अब उसी में हम इसका पानी निचोड़ के, हमें पानी की जरूरत नहीं है, जितना हो सके आप अच्छे से मजबूती से इसे दबा के इसका पानी निकाल लें। देखिए आप देख सकते हैं ये कैसे हमने इसके पानी को निकाल लिया, ऐसे ही करते हुए हम सारे का, देखिए ऐसे ही। देखिए ऐसे ही हम अब सारा पानी निकाल लेंगे आंवले से। देखिए हमने सारे का पानी निचोड़ लिया है, अब इसको हम साइड में हटा देते हैं। देखिए हमने ये मिश्री ले रखी है, आप देख सकते हैं हमने ये 1 किलो का पैकेट है, अब इसमें से मिश्री निकाल के हम इसी से यूज करेंगे। मिश्री बहुत ही फायदा करती है, इसलिए हम आज मिश्री डाल के अब इसके लड्डू बनाएंगे। अब इसका हम पैकेट फाड़ते हैं, इसको फाड़ के इसमें से निकाल लेंगे। देखिए हमने पैकेट को फाड़ दिया, अब इसमें से हम ले लेते हैं मिश्री को, लेके हम डालेंगे मिक्सर जार में। देखिए हमने ये मिक्सर जार ले रखा है, अब इसमें हम डाल के इसका पाउडर तैयार करेंगे। देखिए इतना हमने ले लिया है मिश्री, वजन में ये 1 पाव है, अब इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने मिश्री को पीस लिया है, दिखाते हैं आपको निकाल के, लग रहा है अभी दाने बचे हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बड़े बड़े इसके टुकड़े थे। तो अब इसे हमें पकाना है, देखिए अभी बड़े बड़े बच गए हैं, वैसे गल जाएंगे ये भी, जब गर्म होगा पानी छोड़ने लगेगा तो उसके साथ ही बहुत अच्छे से ये गल जाएगी, चलाते हुए हमें इसे गलाना है, अच्छे से गल जाएगा और जल्दी से लड्डू भी तैयार हो जाएगा। और लड्डू बहुत ही आसानी से आंवले का बनके तैयार हो जाता है, आंवला बहुत ही फायदा करता है, इसलिए आंवले को जरूर यूज में ले। देखिए इसलिए मिश्री भी बहुत ही फायदा करती है,
आंवला यूज करने से बाल के लिए आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, बाल नहीं गिरते हैं। देखिए हमने पानी नहीं डाला इसमें, देखिए मैं इसे मिलाया ये अच्छे से। देखिए आंवला खुद मतलब कद्दूकस किया हुआ भीगा था, तो ये चीनी कैसे इसमें अच्छे से मिल गई। अब इसे हम चूल्हे पे रखेंगे। आंवला जरूरी यूज करें, सीजन है, हर चीज बना के आप रख लीजिए, लड्डू, मुरब्बा, अचार, जो भी चीजें बना सकते हैं वो बना के आप रख लीजिए और उसे एक सालों तक आप खाइए। देखिए हमने इसे अच्छे से मिला दिया, अब चलिए चूल्हे पे रखते हैं इसे। देखिए इसको हमने चूल्हे पे रख दिया, कम पे ही रख के इसे हमें पकाना है आंवले को, तेज पे करके नहीं, नहीं तो ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसे अच्छे से पका के हमें लड्डू तैयार करना है। इसके लड्डू हम बनाएंगे। देखिए जो भी मिश्री के धागे हैं उसे हम निकाल देते हैं। अब इसे ऐसे ही कम पे रख के हम इसे कि अच्छे से ये पानी छोड़ दे, उसके बाद से हम तेज करके चूल्हे को इसको सूखा करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे ऐसे ही कम पे। देखिए ये पानी छोड़ने लगा है मिश्री, देख सकते हैं आप। अब इसे अच्छे से हमें ऐसे ही चलाना है, जो ये बड़े दाने हैं ये भी कम पे रहेंगे तो ये भी गल जाएंगे, हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसे, पानी डालने से कलर चेंज हो जाता है, लड्डू हमारे अच्छे बन के नहीं तैयार हो पाएंगे, इसलिए इसमें हम पानी ना ही डालें तो सही है, समय ज्यादा लग जाएगा पानी डालेंगे तो, इसलिए बिना पानी के बन जा रहा है तो ऐसे ही बनाएं बिना पानी के ही। अब इसे ऐसे ही कम पे देखिए हमने रखा है, ये पानी चीनी जो है पानी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही करके इसे हम पकाएंगे जब तक अच्छे से हमारे आंवले गल ना जाए। इसे बीच बीच में हमें चलाते हुए पकाना है अपने आंवले को। देखिए इसे 5 मिनट हो गया है पकते हुए, अब देख सकते हैं मिश्री इसमें की गल गई है। अब इसे चलाते हुए इसे हम सूखा कर लेंगे अच्छे से कि लड्डू बन सके। देखिए कैसे हो चुका है, अब इसे हम सूखा करेंगे अपने आंवले को कि ये लड्डू बन सके। ऐसे करते हुए इसे हमें सूखा कर लेना है। देखिए कैसे ये सूखा हो गया है, आंवला यूज करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों की हर बीमारी मतलब समस्याओं से दूर करता है। आंवला जरूर यूज करें, बाल भी स्वस्थ मतलब हो जाते हैं, बालों के लिए भी अच्छा होता है, ये बहुत ही पेट मतलब शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आंवला जरूर यूज करें। देखिए हमने मिश्री डाला, इसमें चीनी नहीं डाला है, बहुत ही फायदा मिश्री भी शरीर के लिए ठंडक पहुंचाती है, मिश्री भी बहुत शरीर के लिए फायदा करती है, इसलिए देखिए इसे हमें आंवला हमें जरूर यूज करना है। देखिए इसे हमें चलाते हुए सूखा कर दिया, अब इसे ठंडा करने के लिए रख दे रहे हैं, अब हो चुका है, ऐसे ही होना चाहिए। देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए अब ये ठंडा हो जाएगा तो ये बंध जाएगा, लड्डू हमारे बन सकते हैं। हमने कुछ दूसरी चीज नहीं डाली, ना हमने गुड़ डाला ना हमने चीनी डाला, बिना गुड़ और चीनी के हमने लड्डू को तैयार करना है, बहुत ही लड्डू स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। देखिए ये सूखा हो गया, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं, चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। देखिए ठंडा हो गया है, अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा लेना है। देखिए इतना साइज आपको हम दिखाते हैं, ऐसे ही करते हुए हमें इसका लड्डू बना लेना है। देखिए हमने कैसे इसे किया आपको पास से दिखाते हैं, देखिए कितनी अच्छे से चारों तरफ से ये ज्वाइंट हो गया, कितनी आसानी से ये बन गया है। ऐसे ही करते हुए हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे, हम दूसरे भी बना के आपको दिखा देते हैं अपने लड्डू को कि इतनी आसानी से ये अच्छे से हमारे लड्डू बन जा रहे हैं। देखिए ये थोड़ा भी हाथ में चिपक नहीं रहा है, केवल चाशनी आ रही है हाथ में हल्की हल्की सी, कैसे अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। ऐसे ही करते हुए हमने सारा बना लेना है हमें। देखिए इसे भी हम पास से दिखाते हैं, कितने अच्छे से हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ऐसे ही हम अपने सारे लड्डुओं को बना लेंगे। देखिए देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए। हमने बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें। देखिए कितने अच्छे हमारे आंवले के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इसे जरूर बनाइए और खाइए।